केंद्रीय मंत्री और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने मंगलवार को दावा किया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद फिर से अपार बहुमत के साथ राजग सत्ता में वापस आएगी और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की अच्छी प्रगति हुई है। सरकार की विदेश नीति और कूटनीति काफी सफल रही है। पासवान ने कहा है कि सामाजिक दृष्टि से सरकार ने समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा है और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं उच्च वर्ग के लोग एक मंच पर साथ आए हैं। बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती के बारे में पूछे गए एक सवाल के उत्तर में पासवान ने कहा, पहले उनकी पार्टी अलग लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोल ले। उन्होंने कहा कि जिसे सांसदों का समर्थन प्राप्त होगा वही प्रधानमंत्री बन सकता है। रामविलास पासवान ने कहा है कि वर्तमान में मायावती की पार्टी के कोई सांसद नहीं है, जबकि सपा नेता अखिलेश यादव के पास 3 से 4 सांसद है।